ये लो मेरे शहजादे, ये मैंने तुम्हारे लिए ना खास तौर पे बादामों वाला दूध बनाया है, ये लो बिस्मिल्लाह। वहां परदेश में तो रह के ना बदेसी खाने खा कर खाक सेहत रह गई तुम्हारी। चशा बशा पी कटे थैंक तक। यू अम्मा, थैंक यू। बेटा मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना वो हम सलीम भाई और उनके घर वालों को दावत पे बुला लें। हाँ क्यों नहीं, वैसे क्या है कि शादी की बात तो उनके घर ही जाके करनी होगी ना। मैं वैसे बात कर चुकी हूँ सलीम भाई से, और ना तो सलीम भाई को और ना ही नाइला को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मगर बेटा तुम तो समझते हो ना कि एक रस्म तो निभानी पड़ती है। माँ वो माँ एक बात कहनी थी। माँ मुझे शादी नहीं करनी है नायला से। हाँ क्या मतलब नायला से शादी नहीं करनी? क्या बावला वावले हो गए हो क्या? देखो बेटा मुझसे इस तरह की मजाक मत किया कर। अरे माँ मैं क्यों मजाक करूंगा, सीरियस हूं मैं बिल्कुल। मुझे नायला बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाय अल्लाह, कहीं वहां कोई पसंद तो नहीं आ गई तुम्हें? तुमने कहीं वहां शादी वादी तो नहीं कर ली? अब माँ कैसी बातें कर रही हो यार। अच्छा असल में मुझे वहां नहीं, यहीं एक लड़की पसंद आई है, बल्कि खालू के घर में। क्या मतलब? अम्मा मुझे जोया बहुत पसंद आई है अम्मा, मुझे उसी से शादी करनी है। ये बेड़ा हर खुश जोया तेरा, आते ही मेरे बेटे को फंसा लिया? ना 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 ना, मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी शादी अपनी बहन की सौतन की बेटी से हरगिज नहीं होने दो। क्यों नहीं होने देंगी शादी, जब मुझे जोया पसंद है तो मैं उसी से शादी करूंगा ना, मैं किसी और से शादी क्यों करूं। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ नायला के साथ होगी, समझ में आया? और जोया का तो मैं वो हशर करूंगी ना, वो याद रखेगी, गुद्दी से पकड़ के मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं है। कल ही जाती हूँ और देखती हूँ दोनों बगैरत माँ बेटियों को, उनका तो मैं वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी दुनिया। का क्या करूं मैं,